हेलो नमस्ते, रीना शर्मा चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान एकदम स्वादिष्ट बेसन का चीला, जिसे बेसन का ऑमलेट और बेसन का पोला भी कहते हैं। बेसन का चीला गर्मा गर्म खाने पर ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इसे नाश्ते के लिए, लंच के लिए और टिफिन के लिए भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक गहरे बर्तन में लेंगे आधा कप बेसन, एक मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, एक छोटे साइज का टमाटर बारीक कटा हुआ, चार हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक चौथाई चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, कुछ कटा हुआ हरा धनिया मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक मीडियम घोल तैयार करेंगे। इसे हम ज्यादा गाढ़ा नहीं रखेंगे और ना ही ज्यादा पतला करेंगे। कुछ इस तरीके का घोल तैयार करेंगे। अब हमने मीडियम आंच पर एक तवा रखा है। तवा अच्छे से गर्म होना चाहिए, नहीं तो हमारा चीला इस पे चिपक सकता है। एक छोटा चम्मच तेल डालेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए, तब हम तैयार किए हुए घोल में से छोटे या मीडियम साइज के चीले तैयार करेंगे। इसे इस तरह से फैला देंगे। इसे ज्यादा पतला नहीं करेंगे, नहीं तो ये टूट सकता है। अब हम इसे पलट देंगे। अब इसे पलटने के बाद थोड़ा सा तेल लगाएंगे। अच्छे से इसे दबाते हुए पका लेंगे। चारों तरफ से अच्छे से दबाते रहेंगे ताकि सभी तरफ से हमारे चीले अच्छे से पक जाए और इसका कलर भी बहुत अच्छा आ जाए। ये देखिए, इसी तरह से हम दोनों साइड से पलटते हुए अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए, अब हम इसे उतार लेंगे। इसी तरह हम सभी चीले को तैयार करेंगे। स्वादिष्ट बेसन का चीला बनकर तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।